हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज डे है सैटरडे और टाइम अभी हुआ है 11:30 बजे हैं अभी, और आज डेट है 23। काम वगैरह से फ्री होके अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों से बैठ के। और अभी देखो बच्चों के पेन इधर पड़े हुए थे, ये क्या करते हैं ना ये लोग अपना पेन जैसे इनका रिफिल ख़त्म हो गया तो ये लोग उसको क्या करेंगे ना उठा के ऐसे ही कहीं उठा के रख देंगे। मतलब ये नहीं है कि जब ख़त्म हो गया तो चलो इसे अलग कर दें, बिल्कुल अलग हटा दें, नहीं वो ही मिलेंगे पड़े हुए। तो बच्चे तो इस तरीके से फैलाते हैं। और मैंने कहा चलो जी ब्लॉग स्टार्ट करना ही था अपना, ठीक है तो लोग अपना कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा दिमाग ना थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल मेरा मन नहीं करता कुछ करने के लिए, दिमाग अपसेट है बहुत, दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं, तो उसी के लिए। और अभी करना तो मतलब देखिए, अभी मैं अगर खाना खा लूँगी इस टाइम तो फिर मेरे को नींद आ जाएगी फिर। अब हालांकि मैं चाहती हूँ मुझे नींद आए, मैं चाहती भी हूँ कि मुझे नींद आए अच्छे से, क्योंकि ये मुझे हैबिट है सोने की बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती भी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से नींद आ जाए। मैं सोती रहूँ रात को भी दिन को भी, अभी फिर भी फ़िलहाल मैं बताऊँ आपको रात को बहुत ठीक से नींद आ रही है। और नहीं तो कुछ टाइम पहले ऐसे हो गया था ना रात को नींद है ना दिन को नींद है, लेकिन फिर वो है ना कि कुछ काम जो होते हैं तो वो रह जाते हैं। और आज देखिए मैंने ना अपना फ़ैन ये ऑन नहीं किया है, इसको मैंने ऑफ ही छोड़ दिया। मैंने गर्मी तो लगती है लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आवाज़ ना पहुंच नहीं पाती है आप लोगों तक इसीलिए। और मैंने क्यों अपनी वीडियो जैसे मैं देख अपनी वीडियो में देखती हूँ जाके, तो फिर मेरी आवाज़ ही नहीं होती है तो फिर मतलब समझ ही नहीं आता किसी को। और अभी दिमाग जैसे अपसेट चल रहा था तो वीडियो में क्या बोलना है, कैसे उसकी एडिटिंग करनी है, कहाँ आवाज़ है वीडियो के अंदर कहाँ नहीं है। कुछ एक दो वीडियो ऐसी मतलब बिल्कुल मतलब मुझे ही पसंद नहीं आएगी, किसी और को तो वो क्या पसंद आएंगी। तो बस ऐसे ही। और देखिए मैंने एक ना अपनी ब्लाउज स्टिच की है, मैं आपसे यहाँ शेयर करती हूँ ये वाली। और इसमें ना जैसे कपड़ा तो उतना ही निकलता है, कपड़ा तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि तीन साड़ियाँ थी और तीन में से केवल इसी का ब्लाउज़ निकला है, दो साड़ी के अंदर से मैंने ब्लाउज निकाला ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मतलब इतना इतना कपड़ा दे रखा था तो वो क्या होता उनसे ब्लाउज़ फिर बनता ही नहीं ठीक से। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, साड़ी की लेंथ भी कम हो जाएगी फिर। और ये देखिए ना इसका इसका ना मैं आपको एक बार नेक दिखा दूँ, मैंने नेक कैसे बनाया, ये वाला बैक वाला नेक है ये, और मैंने ना इसमें यहाँ पर ये लगा दिया है ये जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ये जो नेक है। और ब्लाउज तो मतलब वैसे तैयार हो चुकी है, बस इस पर बैठ के ना मैंने कहा थोड़ा सा मशीन का काम तो ऊपर करना होता है तो वो करके और फिर नीचे आके तो फिर मतलब टीवी वगैरह ऑन करके आराम से बच्चों के पास बैठ के बाकी जो वैसा काम होता है बाद का तो वो तो फिर मैं आराम से करती रहूँगी। तो ये स्टिच हो गई है। और ये हाँ मैं आपको ना दो सूट पीस भी दिखा देती हूँ यहीं पर अभी। और अभी देखो कितने काम ध्यान आ जाते हैं, कितने काम फिर भी रह जाते हैं। मेरे को ध्यान आया सडनली एकदम से कि मेरे करेले पड़े हुए हैं, वाणी पापा लेके आए थे करे सब्जी परसों, कॉटन में ही मैंने मंगाए हैं गर्मी के हिसाब से। ये वाला सूट है और ये इसकी बॉटम है साथ में, और इसका जो दुपट्टा है वो ये है, देखिए पास से देखिए ऐसा है ये सूट। अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने ऑनलाइन ही देखा था तो वहीं से मंगाया था ये वाला, देखिए पास से दिखा दूँ। और एक ये मंगाया, ये कलर जो है ना ये वाणी के पापा की पसंद का है ये वाला कलर, देखिए ग्रीन मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे ऊपर मुझे डार्क कलर बहुत सुंदर लगते हैं, देखिए ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बल्कि इसकी कंपैरिजन में ये वाला जो है ये थोड़ा सा लाइट है पर ये भी चल जाएगा मेरे ऊपर। कलर मैं कोई भी डाल लेती हूँ, मुझे बस मुझे येलो कलर जो होता है ना येलो उससे एनर्जी होती है, वो कलर मुझे पसंद नहीं आता अपने ऊपर, बाकी तो मैं सब डाल लेती हूँ कोई भी कलर। रेड कलर मेरा बहुत फेवरेट है, रेड और चॉकलेट कलर जो होता है बहुत सुंदर लगता है मुझे। बाकी आप ना जैसे कि हमारा रंग मतलब थोड़ा सा इतनी मेरा रंग इतना मतलब गोरा नहीं है ठीक है, लेकिन तो मतलब फेयर है मतलब सही है साफ है
लेकिन हाँ ज़्यादा गोरा नहीं है। तो उसके हिसाब से ना हमारे ऊपर थोड़े डार्क कलर हम पहनते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्शन ना पूरा अच्छे से नज़र आता है, बहुत अच्छे लगते हैं हम। अगर मैं ब्लैक कलर का सूट पहनती हूँ तो उस दिन मुझे अपने आप को खुद ही अच्छा लगता है। रेड पहनती हूँ और ये देखिए डार्क ग्रीन है, देखिए इसे मैं सिलाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा ये। तो थोड़े से कलर अपने हिसाब से लेने चाहिए, अगर हमारा कलर भगवान ने ऐसा बना दिया है मतलब, तो थोड़ा सा हिसाब से हमें कपड़े लेने चाहिए। ऐसे कुछ भी कलर उठा के मतलब पहन लो तो फिर बहुत अच्छे नहीं लगते। ये इसकी इसके साथ ना ये वाली बॉटम है और ये दुपट्टा है इसका। अब आ तो गए हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सिलूंगी कैसे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ फिर मान लो घर का काम करना, फिर ऊपर से फिर नींद का इशू हो जाता है, फिर मैं थोड़ी देर के लिए मतलब सोना भी चाहती हूँ, अगर थोड़ी देर सो गए तो फिर वो यहाँ सुबह शाम फिर मतलब ऐसा हो रहा है। मैं बताऊँ खाना वगैरह खाने के बाद ऐसा होता है कि एक हिप्नोटाइज। वाणी दिखाती हूँ वाणी क्या कर रही है, पढ़ाई में लगी है। मानो क्या कर रहा है वाणी का परसों पेपर है तो इसीलिए वाणी पढ़ाई में लगी है। खाना खाया था? खाना वगैरह इसका वाणी का तो हो गया है, उसमें अभी बाद में ही खाऊंगी, सब्जियां निकाल लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं जो ये खीरा कट कर रही हूँ ये वाणी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वाणी ने खाना कुछ इस तरीके से ही खाती है वो, मतलब अपना ख्याल नहीं रखती ढंग से। अगर मैं दे दूँगी कुछ ना कट करके तो खा लेगी, फिर वो भी मतलब इतनी जल्दी से नहीं खाएगी, रखा रहेगा, और इसीलिए मैं ये कट करके उसको दे दूँगी। और यहाँ पे मुझे अपने जो करेले हैं वो भी साफ़ करके रखने हैं। तो देखिए पहले मैंने आगे और पीछे से उनको साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर इनको पानी से यहाँ पर वॉश कर लेती हूँ। पहले थोड़ी जो मिट्टी वगैरह होगी सब निकल जाएगी और मैं इनको यहाँ से खाली कर लेती हूँ। इस वाले बर्तन के अंदर ही पहले मैं जो ऊपर से यहाँ से इनका छिलका निकाल के एक तरफा कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ही मसाला बनता है। पहले सारे करेले में इसी तरीके से ना साफ़ करती जाऊँगी और एक तरफा रखती जाऊँगी। देखिए कुछ इस तरीके से सारा निकाल लेती हूँ पहले मैं एक एक करके। देखिए इतना सारा ये निकल गया है ऊपर का, इसी में ही साइड में मैं यहाँ पे इसके पीसेस करके रख देती हूँ। देखिए कुछ लंबे कर लिए हैं मैंने और कुछ यहाँ पे गोल वाले। नमक डाल के छोड़ दूँगी शाम तक के लिए, जब मुझे बनाने होंगे मैं बनाऊँगी शाम को। तो जी शाम हो गई है और अपना ब्लॉग मैंने फिर यहाँ से कंटिन्यू किया है। तो देखिए ये है मेरे पास करेले जो मैंने कट करके रख लिए थे और नमक डाल के रखा था इनके अंदर। तो ये करेले अभी अच्छी तरीके से साफ करके करेले बनाऊंगी पहले। और करेले का जो बहुत इजी मतलब मेथड से मैं करेले बनाती हूँ, मैं मतलब भर के नहीं बनाऊँगी, टेस्ट तो वैसा ही रहता है, टेस्ट में कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। और मतलब जैसे कि ना मैं इनको कट कर लिया है और बनाऊंगी इनको कट करके ऐसे ना, दो तरह के पीसेस में कट कर लिया है, कुछ गोल कर लिए हैं और कुछ मतलब ये ऐसे लंबा करके इनको कट कर लिया है। और जो इसके ऊपर का जो छिलका वो निकालते हैं वो मैंने अलग रख लिया है, क्योंकि इसी से मसाला बनेगा। तो बहुत ही एक इजी मेथड है जो मैं जिस तरीके से मैं अपने करेले बनाती हूँ, क्योंकि एक बार उन्हें फ्राई करके निकालना फिर उसके अंदर भरना, स्टफिंग वाले नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि वैसे भी वो खाने ही होते हैं, स्टफिंग उसके अंदर भरते हैं तो भी वो खाने ही होते हैं, और ये भी खाए जाएंगे। और इनका टेस्ट लेके मुझे बहुत टेस्टी लगता है, अच्छे लगते हैं, वही टेस्ट होता है। और इनमें कच्ची आम ही डालूंगी और देखती हूँ रेसिपी शेयर करूंगी अगर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे। और अभी ना चाय बना रही। तो देखिए यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, यहाँ पे मैं खाने की थाली लगा रही हूँ बच्चों के लिए। सब्जी बनी थी एक आलू और प्याज की, और बनाए थे फिर साथ में करेले भी, क्योंकि आदि बिल्कुल नहीं खाता करेले। तो ये वाणी के लिए लगा रही हूँ, जो ये थाली है वाणी के लिए लग रही है। और यहाँ पे ले लेती हूँ साथ में मैं थोड़ी सी यहाँ पे दही, रायता नहीं बनाया, सिंपल दही है ऐसे ही, और रोटी सैलेड वगैरह यही था बस। तो मैंने बच्चों के लिए मतलब एक थाली लगा दी है वाणी के लिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।